नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चांदू रेलवे पुलिस थाना क्षेत्र के मांजरखेड़ चिचाटी परिसर में पुलिस कर्मचारी सतीश मडावी व सहायक पुलिस उप निरीक्षक श्याम जाधव महुए की कच्ची शराब भट्टी पर छापा मारने गए थे, जिस समय आरोपियों ने पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पर कुल्हाड़ी व लाठी से हमला बोलकर उन्हें घायल किया था। इस हमले में पुलिस अधिकारी श्याम जाधव बुरी तरह से घायल हुए थे, वहीं पुलिस कर्मचारी सतीश मडावी की मौके पर मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई स्थानीय जिला न्यायालय के न्यायमूर्ति निखिल मेहता की अदालत में हुई और सुनवाई पूरी करने के पश्चात अदालत ने आरोपी उमेश राठौड़ तथा अजय उर्फ राजा राठौड़ को हत्या की अपराध में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं इन दोनों आरोपियों को आसरा देने वाले 8 अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला सरकारी वकील परीक्षित शरद गणोकर ने पैरवी की। राजापेट पुलिस ने विगत 5 मार्च को बडनेरा रोड परिसर स्थित राधाकृष्ण अपार्टमेंट में छापा मारकर करीब 5 करोड़ रुपए का सोना बरामद किया था। साथ ही राजस्थान निवासी 3 सुवर्ण व्यवसायियों को भी पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में लिया था। वहीं इस मामले की सूचना नागपुर के आयकर विभाग कार्यालय को दी गई थी। ऐसे में आयकर विभाग ने भी इस मामले में अपनी ओर से जांच पड़ताल करनी शुरू की। साथ ही आज नागपुर से आयकर विभाग के एक दल ने अमरावती आकर राजापेट पुलिस से उक्त सोने को अपने कब्जे में लिया और कड़ी सुरक्षा के बीच 5 करोड़ रुपए मूल्य के इस सोने को नागपुर ले जाया गया। किसी भी घर परिवार में सास और बहू के बीच अक्सर ही मामूली बातों को लेकर अनबन होना बेहद आम बात है, लेकिन यही विवाद कभी कभार उग्र रूप धारण कर लेता है। कुछ ऐसा ही मामला अकोला के MIDC पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले बाबुल गांव में उजागर हुआ, जहां पर सास से हुए झगड़े के बाद गुस्से में आकर प्रियंका उमेश बोबड़े नामक महिला ने अपनी 13 माह की दूध मुही बच्ची अधीरा बोबड़े का गला दबाकर हत्या करने के पश्चात स्वयं हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। यह बात ध्यान में आते ही परिजनों द्वारा तत्काल ही दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने 13 माह की बच्ची को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए ICU में रखा गया है। इस मामले में पुलिस ने पति उमेश बोबड़े की शिकायत पर आरोपी महिला के खिलाफ धारा 302 व 309 के तहत अपराध दर्ज करते हुए अपनी जांच आरंभ कर दी है। वर्धा के प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय में एक मामले की सुनवाई जारी रहने के दौरान एक व्यक्ति अदालत कक्ष के भीतर चाकू लेकर घुसा और वहां पर पैरवी कर रही योगिता मून नामक महिला वकील पर जानलेवा हमला किया। भीम गोविंद पाटिल नामक आरोपी द्वारा किए गए इस हमले में महिला वकील गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए वर्धा के सेवाग्राम अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। आज दोपहर 12 बजे के आसपास घटित हुई इस घटना के चलते अदालत परिसर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आरोपी भीम पाटिल को वर्धा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। आज कारोबारी सप्ताह के दूसरे दिन बाजार में काफी उलटफेर के साथ ही उतार चढ़ाव वाली स्थिति देखी गई। जीवनावश्यक वस्तुओं में से कई वस्तुओं के दामों में कुछ इजाफा दिखाई दिया, वहीं कुछ वस्तुओं के दामों में गिरावट भी आई। लंबे अरसे बाद पेट्रोलियम उत्पादों के दामों में आज उछाल देखा गया, जब पेट्रोल व डीजल के दामों में 85 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि हुई। वहीं घरेलू सिलेंडर के दाम एक झटके में अचानक 50 रुपए से बढ़ गए। साथ ही खाद्य तेल व गेहूं के साथ साथ चांदी के दामों में थोड़ी मंदी देखी गई। इस समय खाद्य तेलों में प्रति 15 किलो 70 रुपए, गेहूं में प्रति क्विंटल 200 रुपए तथा चांदी में प्रति किलो 2000 रुपए से दाम घटे हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए शिवसेना को और अधिक मजबूत बनाने की दृष्टि से समूचे राज्य में शिव संपर्क अभियान की आज से शुरुआत की गई। इसके तहत अमरावती जिले की जिम्मेदारी पूर्व मंत्री व सांसद गजानन कीर्तिकर को सौंपी गई है। ऐसे में गजानन कीर्तिकर मुंबई के 10 लोगों की टीम के साथ आज अमरावती पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले शिवसेना के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक लेकर संपर्क अभियान की जानकारी दी, जिसके बाद सरकारी विश्राम गृह में एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने स्थानीय मीडिया को इस 3 दिवसीय अभियान के बारे में जानकारी से अवगत कराया। मराठी माणसांचा सर्वांगीण विकास ज्या खेड्यापाड्यातून आलेल्या मुंबई शहरासारख्या येणाऱ्या तरुण मुलांना त्या आभाढव्य ह्या आंतरराष्ट्रीय नगरीमध्ये त्यांना साथ देणं, सोबत देणं, त्यांना सहाय्य करणं हे काम शिवसेना अजूनपर्यंत तहयात करत आलेली हा सगळं काम करण्याची पद्धत आहे। अनेक योजना आमच्या ज्या आहेत या योजना देखील या ठिकाणी आम्ही तुझ्याकडे आहेत ना पुढे गेलो त्या योजना तुम्हाला त्या ठिकाणी आम्ही सांगतो आणि त्या योजनेप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये कोविडचा कालावधी त्यावेळेला या महाराष्ट्राला कोविडपासून संरक्षण देणं त्यासाठी केलेली तयारी जम्बो हॉस्पिटल त्याच्यानंतर लसीकरण या सगळ्या गोष्टीचं काम उद्धवजी अत्यंत चाणाक्षपणे आणि एक पालक म्हणून अत्यंत उत्कृष्ट केलेलं आहे आणि त्यामुळे एक अत्यंत महाराष्ट्रामधला किंवा देशामधला प्रमुख
मुख्यमंत्री म्हणून नावाजले गेलेले अशी कारकिर्द गेल्या 2.5 वर्षाची उद्योगाची आहे आणि येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही ही संपूर्ण संघटना महाराष्ट्रामध्ये आता पहिला टप्पा जो आहे विदर्भ मराठवाडा त्याच्यानंतर तेच खासदार पश्चिम महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र त्यानंतर कोकण त्यानंतर मुंबई अशा पद्धतीने त्यांचे शिवसंपर्क अभियान दौरे चालू राहणार। साथ ही बताया कि 26 व 27 मार्च तक यहाँ की रिपोर्ट वरिष्ठ स्तर तक पहुँचाई जाएगी। पदाधिकाऱ्यांना आता आम्ही जी बैठक घेतली त्यावेळेला सांगितलं की आता 2-2.5 वर्षाचा कालावधी गेलेला आहे त्यामुळे शिथिलता आलेली आहे, ती शिथिलता घालवा। काम करणारे पदाधिकारी जे आहेत ते खरोखरच निष्ठावंत काम करणारे आहेत किंवा नाही, जनतेशी संवाद साधतात की नाही, हे गुपचूपपणे राष्ट्रवादीशी पालकमंत्र्याशी किंवा भाजपशी आतून हात मिळवणी करतात किंवा नाही याची पडताळणी घ्या। काही ठिकाणी रिक्त जागा असतील, कुठेतरी गटबाजीमुळे नेमल्या नसतील त्याची माहिती घ्या, त्याची शिफारस करा। महिला आघाडी युवासेना यांचं समन्वय काही ठिकाणी होत नाही ते त्या फादर बॉडीचे जे पदाधिकारी आहेत त्यांनी ते करून घ्या, अशा तऱ्हेचं त्यांना आम्ही कानमंत्र दिलं आहे। आणि शिवाय आम्ही असंही सांगितलेलं आहे की ज्या भागात जाल त्या भागामधला प्रकल्प एखादा उपक्रम एखादं जनतेच्या हिताचं काम जर रखडलेलं असेल, मंत्रालयीन पातळीवरती ते काम रखडलेलं असेल तर त्याची माहिती सविस्तर आमच्यापर्यंत पाठवा, त्याचा पाठपुरावा करून ते काम वेगाने पुढे कसं जाईल त्या पद्धतीने आम्ही काम करू। वहीं दूसरी ओर शिवसेना की ओर से शुरू किए गए राज्यव्यापी शिवसंपर्क अभियान के तहत आज नागपुर के दौरे पर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता व सांसद संजय राउत ने यहां पर एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना एक तरह से हमारी गलती थी और यह फैसला बेहद जल्दबाजी में लिया गया, क्योंकि अब हमने केंद्रीय जाँच एजेंसियों द्वारा देशमुख के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों को देखा है, साथ ही जिन वजहों के चलते देशमुख के घर व कार्यालय पर छापे मारे गए थे उन वजहों की भी पड़ताल की गई है, जिसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि देशमुख के खिलाफ कोई मामला ही नहीं बनता और उन्हें बेवजह ही झूठे आरोपों में फंसाया गया है। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा ने राज्य विधानमंडल के बजट अधिवेशन दौरान विधानसभा में चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि अमरावती शहर के बीचों बीच बड़े मौके की जगह पर रहने वाली गोपाल नगर की सुदगिरनी व बडनेरा की विजय मिल विगत लंबे समय से बंद पड़ी है, जिसके चलते हजारों मिल कामगार विगत लंबे समय से बेरोजगार बैठे हैं। वहीं इन मिलों की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर गड़ी हुई है, ऐसे में राज्य सरकार ने समय रहते आवश्यक कदम उठाते हुए स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के पदाधिकारियों द्वारा आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में कहा गया कि आगामी गुरुवार 24 मार्च को स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी का अमरावती आगमन होने जा रहा है। इस समय जहां एक और मोर्शी तहसील अंतर्गत हिवरखेड़ गांव में संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की जाएगी, वहीं किसानों की विभिन्न मांगों व समस्याओं को लेकर जिले में रास्ता रोको आंदोलन भी किया जाएगा। इसके अलावा संगठन से जुड़े कई सामाजिक व राजनीतिक मामलों को लेकर भी संगठन अध्यक्ष राजू शेट्टी की प्रमुख उपस्थिति में आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे। स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेनं राज्यभर आंदोलन घेतलं होतं, शेतकऱ्यांना दिवसा 10 तास वीज मिळाली, आणि कोल्हापूरच्या महावितरण कार्यालयासमोर उपोषण चालू होत आणि त्यातला एक दिवसाचा आम्ही टोकन रस्ता रोको महाराष्ट्रभर 4 तारखेला गेला होता आणि तिथं आम्हाला 8 तारखेला राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीनजी राऊत साहेबांकडे आमची बैठक झाली। त्याच्यामध्ये आमची प्रमुख मागणी होती की शेतीला दिवसा 10 तास वीज मिळावी हा प्रमुख होता। दुसरा होता की शेतकऱ्यावर जर बिलाचा थकबाकीचा बोजा दाखवला जातो तो बोजा हा बाकी सर्वांचा बोजा फक्त शेतकऱ्याच्या माथी मानला जातो, त्याची सविस्तर चौकशी व्हावी आणि मगच बिलाची आकारणी व्हावी हे मुद्दे आम्ही मांडले। तिसरा मुद्दा होता
की शहरामध्ये रात्री 12 वाजता जरी लाईन गेली तर आपण कॉल केल्यानंतर लाईनमन येऊन दुरुस्त करतो, म्हणजे नाईट लाईनमन हा कन्सेप्ट शहरामध्ये आहे। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा की जिला शाखा द्वारा आज स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के सामने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू किया गया। साथ ही जिलाधीश के जरिए देश के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि जाति आधारित जनगणना कराने, कृषि कानूनों को वापस लेने, ईवीएम के साथ लगी पेपर ट्रेल मशीन से निकलने वाली पर्चियों का शत प्रतिशत मिलान करने अथवा बैलेट पेपर से चुनाव करवाने तथा निजी क्षेत्रों में SC ST व ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए। आगामी 27 मार्च को पूज्य पंचायत कंवर नगर की 13 सदस्यीय कार्यकारिणी हेतु चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए नामांकन प्रस्तुत करने का आज अंतिम दिन रहा। इन 13 पदों के लिए कुल 36 प्रत्याशियों द्वारा अब तक अपने नामांकन पेश किए जा चुके हैं। वहीं कल नामांकन वापसी का अंतिम दिन है, जिसके बाद चुनावी बिसात को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ होगी। पूज्य पंचायत कंवर नगर की 13 सदस्यीय कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 1 सचिव, 2 सह सचिव, 1 कोषाध्यक्ष, 1 सह कोषाध्यक्ष व 3 कार्यकारी सदस्यों का समावेश है, जिसमें से अध्यक्ष पद हेतु 3, 4 उपाध्यक्ष पद हेतु 10, 2 सह सचिव पद हेतु 6, कोषाध्यक्ष पद हेतु 2, सह कोषाध्यक्ष पद हेतु 3 एवं 3 कार्यकारी सदस्य पदों हेतु 10 प्रत्याशियों के नामांकन प्राप्त हो चुके हैं। अमरावती जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव तथा कार्यकारिणी सदस्य पद के चुनाव हेतु नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है, जिसमें सोमवार को बार एसोसिएशन के 409 सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची घोषित की गई। वहीं आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें कुल 17 उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया गया। मध्य रेलवे के नागपुर डिवीजन में अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 के दौरान बिना टिकट यात्रा करने, बिना बुकिंग के रेलगाड़ियों में तय क्षमता से अधिक सामान ले जाने जैसे मामलों को लेकर यात्रियों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा गया, जिसके तहत 4,72,000 बेटिकट यात्रियों से दंड व जुर्माने के तौर पर 31,23,00,000 रुपये वसूल किए गए। इस जुर्माने की राशि के तौर पर रेल महकमे ने अच्छा खासा राजस्व इकट्ठा किया। जल संपदा विभाग की ओर से विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न विभागों के सहयोग से आज जल दिंडी निकालकर जल की बचत करने का संदेश दिया गया और शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पथ नाट्यों का आयोजन कर आकर्षक फलक लगाए गए। इस जल दिंडी में शहर वासियों ने उपस्थित रहकर इसे बेहतरीन प्रतिसाद दिया। काय होईल म्हणे पाण्याचं महत्व सांगून राहिलो म्हणे अमरावती शहर आलेले, म्हटलं आम्ही या मोठ्या मोठ्या कार्यामध्ये आमचे हातभार असला पाहिजे ना, नाही काय हातभार असला पाहिजे ते कोणती कमी आहे युद्ध का होईल ना आता रशिया युक्रेन फिरत काही नाही पाण्यानं होईल पाण्यानं राजा टिकले आम्हाला काय करायचं आमच्या गावात मस्त नदी अडवली ना आम्ही काय केलं कोणाला सांगू नका नळाचं बिल फिल काय भरायचं नाही धरली नदी अडवली त्याच्यात टाकल्या मोटरा पण ह्या आमच्या घरी बदो बदो पाणी बिल बिल काही भरत नाही आम्ही गेले भरून बिल नाही गेले आहे ना बाबा आमच्या देवान दिलेलं पाणी होय आम्ही किती नाश करील तू कोण म्हणता सांग काय लाला शर्मा हाय की रे तुले हा किती पाणी नाश करून राहिली तू येणाऱ्या पिढीने एक कोण पाणीसाठी भांडण करणार आहे तुला समजत नाही का तुले पाण्याचं महत्व। विगत सोमवार को मनपा क्षेत्र में जल भंडारण का पुनर्जीवन करने व उपाय योजना को लेकर निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। इस बैठक में जल भंडारण का पुनर्जीवन पर जोर देते हुए शहर में बड़े पैमाने पर व्यापक अभियान चलाए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। विगत 24 घंटे के दौरान एक बार फिर जिले में कोई भी व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। इस समय जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 4 है जो मनपा क्षेत्र से वास्ता रखते हैं। इन सभी मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है और इस समय कोई भी संक्रमित व्यक्ति कोविड अस्पताल में भर्ती नहीं है, जिसके चलते सुपर कोविड अस्पताल विगत एक सप्ताह से पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है। वहीं आज समूचे संभाग में भी कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। यह एक तरह से धीरे धीरे अमरावती जिले सहित समूचे संभाग के कोविड मुक्त होने का संकेत है।
हमेशा ही विभिन्न सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले सुश आसरा फाउंडेशन द्वारा इस वर्ष घर काम करने वाली महिलाओं व उनके बच्चों के साथ होली का उत्सव मनाया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष निशि चौबे व उनके पदाधिकारियों ने विगत 20 मार्च को चौरे नगर स्थित झुग्गी झोपड़ियों में जाकर घर काम करने वाली महिलाओं व उनके बच्चों को त्यौहार की शुभकामनाएं देने के साथ ही रंग गाठियां व मिठाइयां बांटी। धारणी तहसील अंतर्गत बासपानी स्थित मांडवा जलाशय से निकली नहर के किनारे बनी झोपड़ी से खेलते हुए 13 माह की एक मासूम बच्ची नहर के पानी में जा गिरी और पानी के भंवर में फंस जाने की वजह से इस बच्ची की मौत हो गई। धारणी की 6 ग्राम पंचायतों में 64 लाख रुपए की आर्थिक हेराफेरी करने के मामले में मुख्य आरोपी अनिल खड़से व सिद्धार्थ मनोहर की गिरफ्तारी से पूर्व अग्रिम जमानत का आवेदन अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में अब दोनों आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। मार्च माह के दूसरे सप्ताह के दौरान भीषण गर्मी बढ़ जाने की वजह से इसका परिणाम बेघरों सहित सड़क किनारे रहने वाले लोगों पर दिखाई दे रहा है। समीपस्थ पाला मार्ग पर सोमवार के दिन एक अज्ञात व्यक्ति की लाश बरामद हुई, जिसकी मौत उष्माघात से होने की बात कही जा रही है। विगत 4 दिनों के दौरान अमरावती शहर सहित जिले में 3 व्यक्तियों की उष्माघात से मौत हुई है। बीते रविवार की रात अचलपुर के देवड़ी परिसर स्थित श्री टॉकीज में रात 9 से 12 बजे का शो देखने गए कुछ युवकों ने द कश्मीर फाइल फिल्म देखने के बाद परतवाड़ा के आजाद नगर में उत्तेजित नारे लगाए थे, जिसके पश्चात दो समूह आमने सामने आ गए और तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। इस मामले में दो समुदायों के कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें अचलपुर की अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। वहीं अन्य फरार आरोपियों की पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र के यास्मीन नगर के पास 9 जनवरी 2022 की रात अपनी बहन से मिलने के साहिल खान पर अब्दुल नदीम व रिजवान खान ने विवाद करते हुए जानलेवा हमला किया था। इस मामले में शामिल रिजवान खान को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद जमानत पर छोड़ा था, लेकिन विगत दिनों से नदीम नामक आरोपी फरार चल रहा था, जिसे आखिरकार पुलिस द्वारा कल गिरफ्तार किया गया। उसे अदालत द्वारा बुधवार तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए गए हैं। जारी एवं विगत वर्ष जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र से चुराए गए मोबाइल की 160 शिकायतें ग्रामीण साइबर सेल पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें से पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद 1,55,000 रुपए कीमत के 101 मोबाइल वापस बरामद करते हुए उनके मूल मालिकों को पुलिस अधीक्षक अविनाश बारगड़ के मार्गदर्शन में ASP शशिकांत सातव के हाथों वितरित किए। धारणी स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा के खाता धारक श्रीकांत कुंटे का अकाउंट किसी ने हैक कर 31,000 रुपए निकाल लिए थे। इसके बाद पुलिस थाने में शिकायत न देते हुए केवल बैंक मैनेजर से संपर्क साधकर निवेदन किया गया और बैंक मैनेजर ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए एक वर्ष पश्चात कुंटे को उनके रुपए वापस दिलाने में सफलता प्राप्त की। 18 मार्च 2022 को मेरे अकाउंट के जो पैसे हैक हुए थे वो वापस आए तथा बैंक अधिकारी ने मुझे पूर्ण रूप से सहयोग किया। कीटनाशक कंपनी को दिया गया चेक बाउंस हो जाने के मामले में बुलढाणा के कृषि केंद्र संचालक को अदालत द्वारा 2 माह की सजा व 4 लाख रुपए के जुर्माने का दंड सुनाया गया है। अकोला जिला अंतर्गत बारसी टाकली तहसील के ग्राम पाटखेड़ा में एक किसान ने अपने खेतों में मूंग की फलियों के बीच गांजे की खेती कर रखी है। ऐसी जानकारी मिलने पर स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस दस्ते ने तुरंत मौके पर पहुंचकर खेत का मुआयना किया। जांच के दौरान पता चला कि खेत में गांजे के कुल 405 पेड़ लगे हुए हैं, जिसके पश्चात 65 किलो 850 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसका बाजार मूल्य 1,18,550 रुपए बताया गया है। पुलिस ने खेत मालिक सचिन महाजन को गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।